शहर के विभिन्न तालाबों में मौजूद अतिक्रमण को हटाने और किशोर सागर तालाब के संबंध में हाईकोर्ट और एनजीटी के आदेशों का पालन कराने के आग्रह के साथ तालाब संघर्ष समिति छतरपुर के द्वारा एसडीएम संतोष कुमार चंदेल को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि पिछले कई वर्षों से शहर के विभिन्न तालाबों में अतिक्रमण बढ़ रहा है और खासतौर पर किशोर सागर तालाब में बढ़ते अतिक्रमण के बावजूद कार्यवाही नहीं हो रही। ज्ञापन के माध्यम से तालाब संघर्ष समिति के सौरभ तिवारी, पत्रकार धीरज चतुर्वेदी, लखन राजपूत, मनोज सोनी, अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष मनोज व्यास, उपाध्यक्ष आलोक द्विवेदी सहित संगम सेवालय के विभिन्न अवस्थी ने मांग की है कि जिले के सभी तालाबों सहित किशोर सागर तालाब का अतिक्रमण हटाया जाए। छतरपुर तहसील में नवागत एसडीएम ने चार्ज लिया था और कई वर्षों से छतरपुर के समाज सेवी हो या अनवर के लोग तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने की लगातार लड़ाइयाँ लड़ते आ रहे थे। एनजीटी के द्वारा भी आदेश जारी किया गया था, हाई कोर्ट के द्वारा भी आदेश जारी किया गया था, लेकिन इन आदेशों का पालन जो छतरपुर जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं पालन ना करके न्यायालय के आदेशों की अवमानना करते आ रहे थे। इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा था कि 39-40 के रिकॉर्ड में हलकुआ के नाम पर किशोर सागर तालाब कब्जेदार की हैसियत से चढ़ा हुआ था, लेकिन बाद में राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से इसमें रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई और बहुत से भूमाफियाओं ने किशोर सागर की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बनाकर निर्माण कर लिया गया। जैसा कि छतरपुर में कई तालाब हैं और शहर के प्राचीन जल स्रोत हैं, पूर्वजों द्वारा हमारे बनाए गए थे, लेकिन वर्तमान में पूरे सारे तालाब देखे जाएं तो गंदगी एवं अतिक्रमण का शिकार है, चाहे कोई भी तालाब हो। इसी क्रम में जो किशोर सागर तालाब है उस तालाब में भी इसी प्रकार से अतिक्रमण है। हम सभी लोगों की ये मांग है कि छतरपुर शहर के जो तालाबों से अतिक्रमण शीघ्र से शीघ्र हटाया जाए एवं जो तालाबों का रखरखाव जो प्रशासनिक जो निर्देश है उनका पालन किया जाए तो निश्चित रूप से छतरपुर के शहर के जल स्रोतों का संरक्षण होगा एवं प्रशासन जो कई बार चूँकि विगत दिनों में कई प्रदर्शन हो चुके, ज्ञापन हो चुके, तमाम प्रकार की लोगों ने अपील की है लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। हम लोग इस बार प्रशासन से अपील पुनः कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि शहर के सारे तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए और वहाँ पर उनकी सुंदरता की जाए और वहाँ पर उनकी गंदगी इत्यादि की सफाई करवाई। आज अभी लखन सिंह राजपूत और अन्य पत्रकार बंधुओं द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया है। एक तालाब है उसका अतिक्रमण जो जैसा बता रहे हैं कि हाई कोर्ट और एनजीटी से भी ऑर्डर हो जाने के बाद अभी तहसीलदार के पास एक्सक्यूशन के लिए पेंडिंग है। चूँकि मैं अभी जस्ट ही कुछ दिन पहले ज्वाइन किया हूँ, परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ, उस नस्ती को बुला के देख के और जो भी एनजीटी के आदेश है उसकी कठोरता से पालन कराया जाएगा। नहीं, जब एनजीटी का आदेश है तालाब के संरक्षण के लिए तब एनजीटी के आदेश जो सुप्रीम कोर्ट के इक्विलेंट है उसके आदेश का क्रियान्वयन कठोरता से किया जाएगा और जल्द ही एक समय सीमा में हम इसका क्रियान्वयन कराएंगे।